उन्होंने अपने पार्टनर मिस्टर फिलिप लॉसन के गायब होने के बारे में स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से गायब होने की वजह साफ नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। वो विक्टर के घर पर है, तुम सही थे। थैंक यू लुईस। इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? ओ तेरी, ये तो जिदित हार पर है। हाँ, लिखते रहिए, हिम्मत कीजिए। चार्ली, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सामान तैयार है, चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, शिकार करने के लिए तुम अभी छोटे हो। लेकिन पापा, मैं अच्छा शिकार करता हूँ। हाय। और क्या हाल है? नींद पूरी हुई? पूरी रात यहीं थे? काउच पे सोया था थोड़ी देर। हाँ, देखो अपना ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। ओके। वैसे जेसिंथ ने मुझे बेनेट के बारे में बताया, उसे स्टेबलाइज करने के लिए डॉक्टर्स ने कोमा में रखा था। इजाबेल हार्पर अभी भी सदमे में है। हाँ, मैं जानता हूँ। बेनेट ने हमें जो कुछ बताया और जो फोटोज उसके पास से मिले हैं, उससे शायद हमें कोई लीड मिल सकती है। पेशेंट्स के साथ जूडी थार्पर के फोटोज हैं। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इसीलिए मिलोगे? हाँ। MKU। इसका क्या मतलब है? इस मोज़ेक को कई स्टेजेस में बनाया गया है, लेकिन यकीनन एक आदमी का काम है। ओके, तो इसे देखकर लौते की पर्सनालिटी के बारे में बता सकती हैं? सच कहूं तो मुझे वो कंफ्यूज्ड, फिर भी दिमागी लगता है। उसका अपना काम करने का एक तरीका है। यहाँ देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो उसकी हैंडराइटिंग बिखरी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। छत पर चढ़कर सिल्विया नाम की लड़की को ढूंढना और फिर कूद जाना। वो पागल था या उसे बनाया गया था? प्लीज विक्टर, हर बार सिस्टम को दोष देना बंद करो तुम। क्राउड, 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 क्राउड,
हाँ, तुम किसी को भी ला सकते हो। गुड मॉर्निंग लुईस। मैं अपनी बेटी से कब मिल सकता हूँ? मेरी बात हो चुकी है, मुझे कुछ दिन और दो। हमारे बीच डील हुई थी, तुमने कहा था काम हो जाएगा। अगर काम इतना आसान होता तो मदद की जरूरत क्यों पड़ती? इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे दोस्त लिसार्ड के अतीत की जानकारी निकालो और पता लगाओ कि नाजा अभी भी उसी के साथ है। इस केस से विक्टर के अतीत का क्या संबंध है? तुमने जो कहा मैंने किया, तुमने कहा था काम होते मेरी मैंने जो कहा वो करो लुईस, वरना अपनी बेटी से मिलने का ख्वाब भूल जाओ। तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझ रहा हूँ। अच्छा मोना, जो सेंटेंस रिपीट हुए हैं उनका क्या? ये चार फ्रेजेस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एक जगह तो चारों एक साथ हैं। हाँ। मैंने इन्हें एक साथ लिखा है और पता किया कि ये कितनी बार रिपीट होते हैं। मीटिंग मिस्टर मैकग्रेगर के साथ फेडरेशन लाकुआएं क्वेबेकॉय 1 मई 1965, इसे रिपीट किया गया 3 बार। रिचर्ड डोर क्रॉस करता है 7 बार और तरबूज वाला देख रहा है पूरे 13 बार और मेरे कैचअप अंकल लैरी ट्रूमैन मजा ले रहे हैं सेब का, ये सेंटेंस रिपीट हुआ है 19 बार। वैसे वाटरमेलन वाले के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं, फेडरेशन लैक्वे क्वेबेक नाम की कोई चीज ही नहीं है और लैरी ट्रूमैन, रिचर्ड क्रॉसेस और मैकग्रेगर नाम से सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। ज्यादातर अगर हम फेडरेशन लाखों क्वेबेकॉस के फर्स्ट लेटर्स को साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है FLQ। और 1 मई 1965 को इस FLQ ऑर्गेनाइजेशन ने मैकग्रेगर स्ट्रीट के अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक बम धमाका किया। और रिचर्ड क्रॉसेस द डोर का संबंध 1970 की क्रॉस और पियरे लपोर्टे किडनैपिंग केस से हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? और माय केचप अंकल के पहले लेटर से हमें क्या पता चलता है, बता सकती हो? MKU, ये तो वही लेटर्स है ना जो बेनेट ने हॉस्पिटल में हमें लिख कर दिए थे। और फर्स्ट लेटर्स को मिलाकर क्या वर्ड बनेगा? MKULTRA, MKUltra, ये क्या? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। MKUltra CIA द्वारा चलाने वाले एक प्रोजेक्ट का नाम था, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का। 1960 में शुरू हुआ था माइंड को कंट्रोल करने के लिए। उन्हें ड्रग्स दिया जाता था और फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। तो तुम कहना चाहते हो कि लॉर्टे जुडिथ हार्पर का गिनी पिग था? मुझे ये बताओ कि मीटिंग में तुमने अपनी बात पहले क्यों नहीं कही? उसे इन्फ्लुएंस किए बिना मुझे उसकी राय जाननी थी। रुको रुको, एक मिनट। 1957 से 1964 तक MKUltra प्रोजेक्ट मैकगिल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जारी था। ठीक उसी दौरान जुडिथ हार्पर मैकगिल में अपनी PhD पूरी कर रही थी। मौत के वक्त लॉर्टे की उम्र 76 थी, इसका मतलब तब वो 20-22 की होगी। MKUltra के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो पेशेंट को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स देकर कोमा में भेजते थे और फिर उनकी याददाश्त मिटाने के लिए उन्हें एक ही रिकॉर्डिंग बार बार सुनाई जाती थी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने लॉर्टे के मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखकर क्या महसूस किया विक्टर? हमें नाश ने बताया कि वो हमेशा डरा रहता था और उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लगता है हमें अपनी लिस्ट फिर से खंगालना होगा। ओके। आखिर ये सब क्या हो रहा है कमांडर? आप मेरे सारे केसेस उन्हें क्यों दे रहे हैं? क्या आपको मेरी काबिलियत पे कोई शक है? तुम जानती हो मैं टीम लीडर हूं, अपना ईगो घर पर रखकर आओ। तो अब मैं क्या करूं? विक्टर लिजार्ड और मेजर क्राइम के साथ अपने संबंध तोड़ दो। तीन मार्च 1982,
लॉर्टे ने दावा किया कि क्रॉस और लपोर्टे की किडनैपिंग में वो शामिल था। उसने कहा किडनैपिंग ड्रग्स के नशे में की थी उसने, और डॉक्टर्स का डायग्नोसिस है मैनिक डिप्रेशन। और उसी साल पुलिस पहली बार उसे सेंट जॉन हॉस्पिटल ले गई थी ना? बिल्कुल सही कहा। मतलब एम के अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट के 15 साल बाद। अब 3 जुलाई 1985 उसने कहा उसने FLQ के लिए बॉम्ब्स प्लांट किए थे और तभी से CIA उसके पीछे है। और अब आते हैं 8 अक्टूबर 1996। लॉर्टे ने जिद पकड़ी है, वो लूशियन बुचर्ड से रेफरेंडम और पॉलिटेक्निक शूटिंग के बारे में बात करना चाहता है, इसकी माँ का साकिना का। हाँ, बस बरमुडा ट्रायंगल रह गया है। जून 2013 उसे उन लोगों के भूत दिखने लगे हैं जिन्हें अब तक की जिंदगी में उसने मारने का दावा किया है। कमाल है। लॉर्टे शिकारी था या शिकार? मेरी मर्जी, जो मेरे मन में आएगा करूंगा। वो निर्दोष था। दुनिया को मेरा अलविदा। यह हत्यारा। वो पूरी तरह से भ्रमित था। उसे सच और झूठ का पता नहीं था। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि इज़ाबेल हार्पर को इस बारे में सब कुछ पता था? तुमने मुझे फंसाया है। उन्होंने भेजा है तुम्हें, तभी तुमने इज़ाबेल को भी फंसाया। बिल्कुल नहीं। ये फोटोज मुझे उस बॉक्स में मिले जिसे इज़ाबेल ने आपके बॉडी की तैयारी के लिए लिए थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे फैसिनेटिंग लगते हैं। मैं तो हैरान हूं, आप तो सच में लेजेंड हैं जुडिथ। तुम कुछ नहीं समझते और ना ही तुम मेरे ये सब करने की वजह जानते हो बेनेट। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप थैंक्स बोलिए कि ये फोटोज इज़ाबेल के हाथ नहीं लगे। मेरी बेटी को इसमें मत शामिल करो, इसी में भलाई है। तुम उन्हें नहीं जानते, वो सब जल्लाद हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। नहीं बताया तो अब अच्छी माँ और अच्छे इंसान होने का नाटक बंद कीजिए। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। अपनी हाथ में रहो। हे, आप जाकर आराम कीजिए, डॉक्टर को आने में टाइम है। वो 4 महीने के लिए यहां था और 15 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। इन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ था डॉक्टर? मिस्टर लॉर्टे की पर्सनैलिटी बाइपोलर थी और वो साइकोसिस से बीमार थे। सालों के ट्रीटमेंट से वो ठीक तो हो रहे थे, लेकिन अचानक बीमारी वापस लौटी। यहां से छूटने से पहले वो स्टेबल थे। अगर मैं सच कहूं तो साइकेट्री एग्जैक्टली साइंस नहीं है। उसके परिवार के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है, आप कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ नहीं, इस बीमारी में किसी तरह सोशल रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वैसे उसे एग्जैक्टली बीमारी क्या थी? इस बीमारी में पेशेंट अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाता है और वो उसी भ्रम को सच समझने लग जाता है और उसे अपनी काल्पनिक दुनिया में रहने की आदत हो जाती है। ओके, लेकिन कैसे भ्रम होते थे उसे? पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। पेशेंट को लगता है सब उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लॉर्टे के कमरे में FLQ और पियरे लपोर्टे के बारे में दीवारों पर लिखा था। लपोर्टे उसका भ्रम था और कुछ नहीं। उसका दावा था वो किडनैपिंग उसने की है, इससे आपको उसकी कंडीशन का अंदाजा हो जाएगा। और
लॉर्थे के केस में उसकी कंडीशन क्रॉनिक हेलुसिनेटरी साइकोसिस में बदल गई। उसे आवाजें सुनाई देती थी। तो क्या वो किसी का खून कर सकता है? सच कहूं तो जी हाँ, वो दूसरों की जान लेने और अपनी जान देने लायक बीमार था। क्या आप जिदित हार्पर को जानते हैं? पर्सनली तो नहीं, लेकिन मैकगिल में मैं उसके अंडर सीखा हूं। मेरे पास उनकी अच्छी यादें हैं। उनके बारे में सुनकर बुरा लगा। और एमके अल्ट्रा के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं डॉक्टर? एमके अल्ट्रा? ओ, पब्लिश हुई जानकारी के अलावा कुछ नहीं। ये CIA द्वारा किए गए वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट थे जिनके बदौलत कई लोग परमानेंटली डैमेज्ड हो गए। क्या लॉर्थ की कंडीशन की वजह से ये एक्सपेरिमेंट थे? क्या आपको लगता है कि जुडिथ हार्पर भी किसी तरह से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी? एमके अल्ट्रा? जुडिथ हार्पर? बिल्कुल भी नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी में उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। वैसे आज देखा जाए तो ये फोटो शॉकिंग लग सकती है, लेकिन एक वक्त था जब किसी भी साइकेट्रिक सेंटर में ये कॉमन था। ये नॉर्मल साइकेट्रिक प्रैक्टिस का हिस्सा था। आप तो जानते हैं आज भी कुछ पेशेंट्स को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है। क्या ये संभव है कि लॉर्थे जुडिथ हार्पर का पेशेंट हो? अगर ऐसा होता तो इसका जिक्र उसकी फाइल में जरूर होगा। क्या लॉर्थे ने कभी किसी सिल्विया का जिक्र किया था? फाइल में तो जिक्र नहीं है, लेकिन आप उस लेडी से बात कर सकते हैं जो उसका ख्याल रखती थी। जी कहिए। आपके काम में ताकत तो बहुत लगती होगी। ये मेरे पिताजी की गलती है, उन्हें बेटा चाहिए था। अरे वाह, मेरी माँ भी बेटा चाहती थी, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। क्या आंद्रे लॉर्थे ने तुम्हारे सामने कभी किसी रिश्तेदार या दोस्त का जिक्र किया था? याद करके बताना। कभी किसी सिल्विया के बारे में बताया था उन्होंने? कोशिश करो, शायद याद आ जाए। नहीं नहीं, मैं किसी लॉर्थे को नहीं जानती। क्यों, कोई बात है क्या? मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। वो बिल्डिंग की छत से कूद कर मर गया, और उसके पास जुडिथ हार्पर नाम की औरत का वॉलेट मिला है जिसका खून हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये कहानी उसने मुझे भी पहले सुनाई हुई है। क्या कहता था? क्या कहता था कि वो बेहोश हो जाता था, और होश आने पर उसके कपड़े खून से लथपथ होते थे, और उसके पास अजनबियों के वॉलेट्स हुआ करते थे। लेकिन डॉक्टर मैकनील का कहना है कि ये सब उसके दिमाग की कल्पना थी और कुछ नहीं। डॉक्टर मैकनील इस बारे में मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। वैसे भी इंसानी दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें वो सारी चीज़ें दफन होती हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। ओके, तो हम चलते हैं। ओके, थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ, बोलो। देखकर लग रहा है कि हफ्तों से सोए नहीं हो तुम। हेलो। हाँ, सच में?
ओके, मुझे वो सारी फोटोग्राफ्स ईमेल कर देना। ओके, थैंक यू सर। स्क्रूज एंड नट्स वाले का फोन था, अब चाबी के बारे में पता चल जाएगा। हाँ? उसके मुताबिक वो एक स्पेशल मॉडल है और हैंडकफ्स कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि उसकी चाबी से कॉलर खुलता है। लेकिन उसकी गर्दन में जो छेद था उसका क्या? हो सकता है मशीन से ऐसा पार्ट निकलता हो जो गर्दन को चीर देता हो। शायद उसे ऐसे ही मॉडिफाई किया हो। ठीक है, एनीवे चलो। क्या कर रहे हो बच्चे? वो मैं चेक कर रहा था लिजर्ड ऑनलाइन है या नहीं, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है। फिर से हद हो गई? अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना होगा। अच्छा, तुमने विक्टर के नोट्स देखे? रिवर्ट के साथ हुई मीटिंग वाले नोट्स? हाँ। मेरी बात हुई थी, वो अभी तक ऑफिस नहीं आया है। उस पर अपने मेंटोर की मौत का बहुत गहरा असर हुआ है, उसके कॉल का वेट कर रहा हूँ। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, मुझे खबर करते रहना। सबके लिए कॉफी लाए। मिस्टर बेनेट से मुलाकात हुई आपकी? उनकी तबीयत की चिंता नहीं है आपको? मुझे तो नहीं है, मरने दो उसे। वॉशरूम जा सकती हूँ? ऊपर है। तुम ठीक तो हो ना इजेबेल? और कुछ पूछना है आपको? बस ये बताओ कि तुम्हें अपने माँ के काम के बारे में क्या जानकारी है? वो मैकगिल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली पहली महिला है, साइकेट्री से। उन्होंने असाधारण काम किए, बहुत सारे अवार्ड्स जीते और कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर थी। ये देखो, हमें कुछ फोटोज मिले हैं, कुछ पता है इनके बारे में? मॉम के खूनी को पकड़ने के लिए तुमने क्या किया? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं होता है। मॉम को टॉर्चर करके मार दिया गया और आप यहाँ उन्हें विक्टिम से खूनी बनाने पर तुले हुए हैं? हम खूनी नहीं बना रहे, बस सच जानना चाहते हैं। तुम उन पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो भी इन गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थी। हमें हर एंगल की जांच करनी पड़ती है। हो सकता है तुम्हारी माँ इन... मैं तुम्हें माँ को बदनाम करने नहीं दूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से। चलो चलते हैं विक्टर। स्टेशन बुलाकर अच्छे से पूछताछ करते हैं इससे। हमारे पास वारंट नहीं है। कि यकीनन कुछ तो छुपा रही है। और आज तो तुम्हें थप्पड़ भी चढ़ दिया। कल औरत। थोड़े दिन शांत होने के लिए छोड़ देते हैं।
हमें कुछ अलग ही करना होगा। नाश से बात करते हैं। वो नशेड़ी? हाँ, हम जाकर उसे जूदी थार्पर की फोटोज दिखाएंगे। देखते हैं उसे इस बारे में कुछ पता है या नहीं। पता है कहाँ पाया जाता है? मैं नाजा से पूछकर पता लगा सकता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारी वजह से कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाए। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तो बस ठिकाना पूछूंगा। हेलो। और नाजा कैसी हो? अब बेहतर हूँ। मुझे नाज से बात करनी है, बता सकती हो कहाँ मिलेगा? मैं मदद करूँ? बस इतना बताओ कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं लंच आवर में उसे ले आऊंगी, वैसे भी बोर हो रही हूँ। कर पाओगी? 100%। ठीक है, समझ गए। हमें बस इतना पता है कि वो लौटे के पागलपन का इस्तेमाल करता था और क्लूज छोड़ता था। ठीक है, उसके क्लूज से हमें पता चलेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। ये लो, बाद में ये मत कहना कि मैंने अकेले ही पी लिया। थैंक यू। लैटिनो की कोई खबर मिली क्या? अभी तक तो नहीं। वाह वाह वाह, ये देखते हैं बच्चा क्यों एक्साइटेड हो गया। क्या? जरा ये देखो, जूडिथ हार्पर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया है। अतीत को भुलाने के लिए बिजली के झटके और ड्रग्स का इस्तेमाल। हाँ, अच्छा, शाबाश बच्चे। अच्छा कर रहे हो बच्चे, मैं फाइल में देखती हूँ कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था या नहीं। एक मिनट रुको। और ये क्या है? मैकगिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री 1971। एक मिनट, शायद मैकगिल डिपार्टमेंट से किसी ने लौरते को हॉस्पिटल में भेजा हो। जूडिथ हार्पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1971, टाइम भी मैच नहीं हो रहा। पहली एंट्री 1982 की दिखा रहा है। इनमें से एक फाइल मिसिंग है। डॉक्टर मैकनल, विक्टर लेजर्ड, क्राइम यूनिट से। जैसे ही आपको मैसेज मिले कॉल कीजिएगा। थैंक यू। हमें सेंट जिन जाना होगा। रिवार्ड को फिर से कॉल करो। Yes, boss. मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। आज दोपहर को वो मुझे यहाँ चाहिए, समझ गए? सर हम निकल रहे हैं। जरा संभाल के। हाँ बोलो। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? नाजा को केस से हटा दिया है। लेकिन क्यों? टैंगवे ने किया है ये सब। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? टैंगवे सब कुछ जान गया है, उसे किसी ने तुम्हारे और नाजा के बारे में बता दिया है। विक्टर, विक्टर बेवकूफी मत करो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। किसी का इंतजार कर रही हो? हाय डैड। नाज़ मिली थी तुम्हें? नहीं अभी तक नहीं। जैसे ही वो तुम्हें मिले बोलना कॉल करने मुझे। क्या कोई प्रॉब्लम? जो कहा है वो करो बस। ठीक है डैड, लेकिन thank you.
चाहिए। क्या लगा था तुम यहां से बिना खाए ही चले जाओगे? हाँ देखिए ये केस मेरी समझ से बाहर जा रहा है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आंध्र लौटते कौन है, विक्टिम है या कल्प्रेट? मैं आराम से उसकी फाइल पढ़ लूंगा। ठीक है, पर यह मत भूलो कि अक्सर खूंखार खूनी भी जुर्म के शिकार हो चुके होते हैं। हाँ। आज ही किसी ने याददाश्त के बारे में कुछ कहा था, वो बात सुनकर मुझे उस रात जो हुआ वो सब मुझे अचानक याद आ गया। किस रात की बात कर रहे हो? उस रात की जिस रात मेरे पिता ने। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ ना विक्टर, उस रात क्या? नहीं बता सकता मैं, आप आराम से इस फाइल को पढ़ के मुझे कोरियर कर दीजिएगा। ठीक है, भेज दूंगा। वैसे तुम काफी दिनों बाद आ रहे हो, कोई इश्क का चक्कर तो नहीं है? आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हें 12 साल की उम्र से जानता हूं, रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारे। नाम क्या है उसका? नाजा, हमारे स्टेशन की एक डिटेक्टिव है, लेकिन मुझे फैसला लेना होगा। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दें? ऐसा एक ही बार हुआ है। तो क्या किया आपने? पहली बार मैंने अपने दिमाग की नहीं सुनी और दिल की मानी। एल्बर्ट, हम पिछले 30 साल से साथ हैं। वैसे तुमने एक बात नहीं बताई अभी तक, क्या वो तुम्हें भी इतना ही चाहती है? एक गोद लेने वाले बाप और एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूं। एक बात कहूं विक्टर लिसार्ड, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सबसे हटकर। एक्सक्यूज मी। अब मुझे निकलना होगा डैड। उसका ख्याल रखना, तुमसे प्यार करती है। जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे गंवाना मत। पता है ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटे। एल्बर्ट को मेरा हाय कहना। अपना ख्याल रखना। और आप भी। और मार्टिन से कहना कभी आकर मुझसे भी मिले। वैसे वो किसी के साथ काम कर रहा है, पर मैं मैसेज दे दूंगा। बाय डैड। हाँ। सुनो, तुमने बोला था सिर्फ डराना है, गोली चलाने की बात नहीं हुई थी। डरता क्यों है इतना? चुप बैठ।
Yes. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Crime unit से Victor Lizard बोल रहा हूँ. आपके boyfriend के बारे में बात करनी है. ठीक है. अंदर आइए. इतनी रात तकलीफ देने के लिए माफी चाहूँगा. कोई बात नहीं. हम तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं ना. ये तो है. आपके पास सिगरेट है? हाँ. मेरा बॉयफ्रेंड कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, इसलिए स्मोक कर रही हूँ. लीजिए. थैंक्स. पहले सवाल मैं पूछूंगी. पूछिए. क्या लॉसन और जुदित का खूनी एक ही है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप किसी को ना बताने का वादा करें तो मैं आपको बता सकता हूं. अच्छा, तो बताइए क्या मदद करूं. मुझे चार्ल्स रिवार्ड से बात करनी है. आपको पता है वो कहां मिलेगा? मैं उनका सेल या ऑफिस नंबर दे सकती हूँ. नहीं, ट्राई कर चुका हूँ मैं. क्या आप बता सकती हैं कि रिवार्ड ने लॉसन के गायब होने की खबर के लिए आखिर आप ही को क्यों चुना? क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ. मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है. मैं जानती थी कि माँ का एक डार्क साइड भी है. ये भी जानती थी कि विलियम मुझसे चीजें छुपाता है, लेकिन मैंने अनदेखा किया, कभी जानना नहीं चाहा. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, और मैं इन सबसे हटके हूं. जो अनजान बनने के लिए आंखें बंद कर लेती है, सच एक दिन सामने आता ही है. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. तो तुम जुदित को अच्छी तरह से जानते थे. प्लीज विक्टर, फोन उठाओ. मैं इस वक्त फोन नहीं उठा सकता. थर्ड में जाओ तुम. भी देरी नहीं होगी. मैं हमेशा की जगह पैसे लेने आ जाऊंगा. परफेक्ट. आगे से बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, मेरा भरोसा रखो. सुन रही हूं.
हल्का लग रहा है। डैड को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं तो प्लान फेल हो जाएगा। फिक्र मत करो, डैड को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूं। अच्छा, इस वक्त वो तुम्हें जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। हाँ।